निकुंजे सुगुंजा वनीय पियाया निमिल्याक्षिणी वेणुमुद्वादयन्तं ब्रजानंदकंदम चतुर्बाहुरूपं भजे स्वामिनी वल्लभं द्वारकेशं श्रीराधिका मुग्ध विलोचनाय लावण्यलक्ष्मीमवलंबिताय द्वैतस्य भाने विमलद्वयाय श्रीकल्याणरायाय नमोपराय प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि। वर्षोत्सव के एक और संस्करण में आप और हम सभी मिलकर जिस श्रृंखला पर हम विगत एक दो सत्संगों से चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नियम कुछ संकल्प हम अपने जीवन में वैष्णवता को जीने से पहले किस प्रकार से एक श्रेष्ठ मनुष्य एक आदर्श हिंदू और एक कैसे अच्छे भारतीय होते हुए हम अपने संस्कारों का परंपराओं का और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए कैसे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इत्यादर्थ में कई प्रकार के अलग अलग हर एकादशी को होने वाले अपने सत्संगों में किस प्रकार से किस एकादशी को कौन सा व्रत लेना चाहिए कि इस एकादशी को मैं ये व्रत ले रहा हूं कि अब इस बात को मुझे छोड़ना है, अब इस विषय से मुझे दूर रहना है, इस विषय का मैं मन से परित्याग कर रहा हूं। एकादशी के दिन संकल्प लेने के तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन प्रति एकादशी को जैसे हमने पूर्व में सुना है कि 24 ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि जो हमें एकादशी को उन चीजों को छोड़ना है, उन चीजों का परित्याग करते हुए और अपने जीवन में एक आदर्श वैष्णव के उस सद्गुण को धारण करना है जिसके माध्यम से हमारे इष्ट श्री गोवर्धन धरण और गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य चरण प्रसन्न हों और हम उनके लायक अपनी वैष्णवता को आपके चरणारविंद में समर्पित कर सकें, हम उनके लायक बने। और इसीलिए मैंने इन विषयों पर विचार करते हुए ऐसे विषयों को लिया कि जिनके माध्यम से हम प्रति एकादशी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, कुछ ऐसा भी संकल्प लें कि उस एकादशी को हमें ये छोड़ना है, आज से हमने ये छोड़ा है। और उसी श्रृंखला में हमने कुछ 17-18 एकादशी तक हमने चिंतन किया था। मुझे याद है 16वां विषय था लोभ और 17वां विषय था स्वार्थ परित्याग। 17वें विषय में हमने ये चिंतन किया था कि हमें स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ होता है लेकिन हर चीज की अपनी एक मात्रा होती है। व्यक्ति परोपकारी हो ये बहुत आदर्श है, लेकिन व्यक्ति निस्वार्थी भी हो साथ में ये भी उसके जीवन का बहुत बड़ा श्रृंगार अपने आप में माना गया है। तो ये 17 बिंदुओं पर 17 एकादशियों को हम क्या क्या छोड़ेंगे ये हमने पूर्व के सत्संग में चिंतन किया था। 18वीं एकादशी को हम क्या छोड़ेंगे कि समय का दुरुपयोग जो हम करते हैं उसका हम परित्याग करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया च कलहेन वा, ऐसा सुभाषित कहा गया है। और सुभाषित हमें कई बार एक आदर्श मनुष्य बनाने के लिए बहुत सुंदर सचोट मार्गदर्शन देते हैं। उपनिषद के वाक्य, पुराणों के वाक्य, पूर्वाचार्यों के वचन और ये सब सुभाषित नीति वाक्य आदि जो हैं इनके माध्यम से हमें एक दृष्टि मिलती है, एक दिशा मिलती है कि इस प्रकार से जीने से हमारे जीवन में धर्म आसानी से आ सकता है और धर्म को हम आसानी से जी सकते हैं। तो धर्मावलंबी होने के लिए, पुष्टिमार्गीय वैष्णव होने के लिए जो सहज आवश्यक वस्तुएं हैं उनका तो हम स्वीकार करते ही हैं भगवत सेवा में, सत्संग आदि में, लेकिन समय का दुरुपयोग हम कैसे बचाएं? मनोरंजन भी जीवन में होना चाहिए,
श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं जलभेद में, उद्वेगहानि गंधर्वात, उद्वेग न हो हमारे मन में उस प्रकार से गंधर्वात आदि माने संगीत का, चित्रण का आदि का हम मनोरंजन के रूप में चिंतन कर सकते हैं। वो मनोरंजन भी इसलिए कि हमें प्रमादवश भगवत सेवा में उद्वेग न हो, और उस उद्वेग से बचने के लिए हम अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए कभी कोई मनोरंजन की कोई नाटिका देख ली, कोई हमने संगीत सुन लिया, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, कोई हमने अच्छी गज़ल सुन ली, कोई हमने अच्छे गीत सुन लिए, कोई हमने अच्छे गीत गा लिए, कोई सुंदर गीत हमने जो बहुत ही काव्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है, अर्थ सहित है, निरर्थक नहीं है, और जिनका बहुत जीवन में अपने आप में एक अर्थ, अपने आप में एक मूल्यांकन है उन गीतों का, ऐसे गीतों का श्रवण करना चाहिए, ऐसी गज़लों का श्रवण करना चाहिए, ऐसे साहित्य की चिंतन को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार के भारतीय जो कला संस्कृति के अलग अलग नृत्य कला के, वाद्य कला के, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के, वोकल म्यूजिक के जितने भी अलग अलग पहलू हैं, हमारे मन को प्रफुल्लित करने के लिए अनवसर काल में हम वो सब सुने, जिससे हमारे मन में उद्वेग न हो और हम पुनः जब सवेरे जगें तो भगवत सेवा के लिए हम प्रसन्न चित्त हों, हम आनंद पूर्वक प्रभु की सेवा कर सकें। तो समय का जो दुरुपयोग होता है उसमें क्या होता है कि हमें समय का अनुसंधान नहीं रहता है। फोन के ऊपर हम गेम खोल के बैठे हैं तो हम घंटे दो घंटे गेम ही खेले जा रहे हैं, YouTube को हम देख रहे हैं, इंस्टा को देख रहे हैं या Netflix को देख रहे हैं, ये सब आधुनिक पद्धति से हम जो कुछ आजकल इतना सब कुछ अवेलेबल है और उसमें इतना हमारा समय जाता है, जिसकी वजह से सदग्रंथों का वांचन, सज्जनों का सत्संग और भगवत सेवा में हमारी प्रवृत्ति का जो समय है वो घटता जा रहा है। वो न घटे और उसका पूर्ण न्याय देते हुए जो शेष समय हमें अपने आप के लिए बचा है उसमें हम मनोरंजन करें। मैं किसी भी वस्तु के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय बीत रहा है वो जीवन में वापस नहीं आने वाला है। पहले समय में कहा जाता था कि बिजली ना झपकारे मोती पूर्वी लेवानी कड़ा, एज भक्ति छे। तो बिजली का जो झपकारा होता है ऐसे समय बीता जा रहा है, और उस समय में हमें अपने मन रूपी धागा को श्री कृष्ण रूपी चरणारविंद की मुक्ता में हमें पिरोना है, और वो ऐसे पिरोना है मानो समय का सदुपयोग भी हो, हमारा आश्रय बल भी दृढ़ बने, हमारी अनन्यता भी दृढ़ बने, हमारी प्रेम लक्षणा भी प्रदीप्त हो, और साथ साथ में हमारे जीवन में प्रभु की वो माधुरी भक्ति का उदय हो। उस प्रकार से हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। केवल मनोरंजन के लिए ही केवल हम, हाँ आप रसोई बना रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप रात्रि के समय में आप कुछ समय फ्री हैं उस समय में आप कुछ संगीत सुनिए, आप गज़ल सुनिए, आप कुछ भगवद नाम लीजिए, कुछ भगवद नाम सुनिए, ये सब हो सकता है, लेकिन समय को साधते हुए समय का दुरुपयोग हम केवल भोग विलास में न करें। समय का उपयोग दुरुपयोग केवल हम अपने मनोरंजन और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ अपना जीवन व्यतीत न करें, इसके आगे भी जहां और भी है ये सोचते हुए, ये स्वीकारते हुए हम समय का सदुपयोग करें। ये 18वीं एकादशी के दिन हमें ये संकल्प लेना है। 19वीं एकादशी के दिन जो अज्ञानता भरी बातें हमारे जीवन में है, जिस विषय के लिए उस अज्ञानता का परित्याग करके हमें महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकम स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन प्रभु के महात्म का ज्ञान तो हमें होना चाहिए। हम कौन की सेवा कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारे संप्रदाय के सिद्धांत क्या हैं, श्री आचार्य चरण का स्वरूप क्या है, वैष्णव का स्वरूप क्या है, हमारे वैष्णवों के कर्तव्य क्या है, वैष्णवों के कर्तव्य के साथ साथ हमारी ब्रजलीला की अलग अलग लीलाओं को किस प्रकार से अष्ट सखाओं ने गान किया है, किस प्रकार से 84 वैष्णवों ने अपने सिद्धांतों को जीवन में जीते हुए किस प्रकार से हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया है, ये सब चीज का ज्ञान जब हमारे मन में आए, जब इस ज्ञान से हम परिपक्व हों
और प्रभु का माहात्म्य, श्रीमद् भागवत जी का माहात्म्य, भगवद वाणी का माहात्म्य, भगवद लीलाओं का माहात्म्य, इन सभी स्वरूप का माहात्म्य जब समझ में आए तब हमारी भक्ति जो है वो सुदृढ़ होने लगती है। और फिर जब उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसे कार्यान्वित जब करते हैं भगवत सेवा में, तब सर्वतोधिकः, तब वो परिपक्व होकर और पके हुए फल की तरह रसरूप हो जाती है। और तब वो सापरानुभक्तिरीश्वरः, उस प्रकार से वो फिर वो भगवत सेवा ही हमारे लिए परम फल रूप बन जाती है। वो परिपक्व माधुर्य फल के समान हो जाती है, रसरूप फल बन जाता है। फिर न प्रभु को हमारे बिना चैन पड़ता है, न हमको प्रभु के बिना। उस ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने की जो बात है, उस ज्ञान की प्राप्ति की ओर हमें अपनी अज्ञानता का परित्याग करते हुए ज्यादा से ज्यादा संप्रदाय के ग्रंथों का चिंतन करें, मनन करें, ज्यादा से ज्यादा श्री महाप्रभु जी की वल्लभ वाणी का चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा आप भगवत चर्चा करें, जिससे आपकी वैष्णविक ज्ञान की वृद्धि हो और साथ साथ में मार्ग में आपकी आस्था दृढ़ हो, मार्ग में आपकी स्थिति दृढ़ बने, मार्ग के सिद्धांतों के प्रति आपकी अनन्यता दृढ़ बने। तो इस प्रकार से अज्ञानता का परित्याग 19वें एकादशी को हमें करना है। 20वें एकादशी के दिन आत्म प्रशंसा से बचना है। आत्म प्रशंसा अगर कोई करे तो पूर्ण दीनता पूर्वक, दासत्व पूर्वक, अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो केवल भगवत कृपा ही इसमें कारण है। कल्याण कृपा ही केवलम, मैं बोलता रहता हूं ऐसे, भगवत कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, वैष्णव कृपा ही केवलम, किसी वैष्णव के संग से हमें अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वैष्णव की कृपा है, गुरु की कृपा बल से कुछ प्राप्त हुआ तो गुरु की कृपा है, भगवत कृपा से कुछ हमें प्राप्त हुआ तो भगवत कृपा है। उस कृपा का, उस सिद्धि का, उस सफलता का श्रेय भी हम अपने इष्टदेव, गुरुदेव और भगवदीय जन को दे दें। आत्म प्रशंसा, कई बार मुझे ये अनुभव हुआ भगवत सेवा में, मुझे ये अनुभूति हुई भगवत सेवा में, मैंने ऐसे किया, मैंने आज इतने लाख का ये साज बनवाया है, मैंने आज ऐसे सुंदर स्वर्ण के पात्र बनवाए हैं, मैंने आज ऐसे किया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर वैष्णव सेवा करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार हर वैष्णव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर मैं कहूँगा, कोई न कोई एक विशेषता छिपी हुई है। हर व्यक्ति से कोई सद्गुण ग्रहण करना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक विशेषता हमारे प्रभु ने भरी है। तो हम आत्म प्रशंसा न करते हुए, आत्म प्रशंसा का त्याग करते हुए, हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी भी दें और सामने वाले को अप्रिशिएट भी करें। एप्रिसिएशन और अपॉर्चुनिटी ये दोनों सामने वाले को देने से मेरा अनुभव है कि हमें सामने वाले के पास जो उसके मनोमंथन का अमृत है वो वैचारिक रूप से हमें, अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है। आत्म प्रशंसा करने में तो व्यक्ति स्वयं अपने आप के ही गुण गाता है परोक्ष रूप से। हम उदाहरण भी ऐसे देते हैं कि सामने वाले को अन्य में नहीं लेकिन केवल हम में विश्वास हो, हम में ही उसका भरोसा हो, हमारा ही वो आश्रित बने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी का आश्रित हो, श्री महाप्रभु जी का अनन्य बने, और उसको श्री महाप्रभु जी के दर्शन अगर हमारे में हो रहे हैं तो ये उसका सद्भाग्य है, लेकिन ये चॉइस उस पर रखनी चाहिए, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। हम कुछ सामग्री करते हैं तो वो दूसरे को प्रेरणा मिले उसके लिए जरूर उससे आप शेयर करिए, लेकिन मेरे जैसी तेरे से नहीं होगी, लेकिन फिर भी तू सुन ले कि मैंने ऐसे किया है। मेरे जैसे तू गा नहीं सकता है, लेकिन चल अब गाले में चला लूंगा, कोई बात नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए उस भगवद वाणी का महत्व नहीं समझते हैं। कई बार जो श्रृंगार में बहुत प्रवीण है, जो कीर्तन में बहुत प्रवीण है, जो सामग्री में बहुत प्रवीण है, जो बहुत अच्छे वांचन में प्रवीण है, बहुत अच्छे वक्ताओं में जो अच्छी प्रवीणता से जो वक्तव्य देता है, जो बहुत लेखन में प्रवीण है, या जो कोई संगठित कार्य करने में, सामाजिक कार्य करने में, या किसी प्रकार की संप्रदाय की अन्य वैष्णवी सेवाओं के और संस्था की सेवाओं में जो प्रवीण है, वो स्वयं कभी अपनी प्रशंसा न करे, अन्य को अवसर दे।
और जब अन्य की वो प्रशंसा हम सुन रहे हो तो हम मन में केवल दास भाव को ग्रहण करें जिससे अहंकार ना आए। केवल गुरु कृपा से, केवल प्रभु कृपा से, आप सब भगवदियों के संग से मुझे ये कार्य संपन्न हुआ है। आत्म प्रशंसा से दूर बचे जिससे हमारे में अहंकार की वृद्धि होती है। तो जो अहंकार की वृद्धि कराने के लिए हम नाम निवेदन करते हैं तो वो अहंकार की वृद्धि कंठी पहनने के बाद भी, नाम निवेदन करने के बाद भी वो अहंकार की निवृत्ति हो, अहमता और ममता के परित्याग के लिए ही दोनों दीक्षाओं का प्रकार लिया है हमारे यहाँ। तो नाम का आश्रय करें कि मैं तो पहले से ही उनका शरणागत हूँ, मेरी क्या प्रशंसा, और मैं स्वयं में अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ जो मैं स्वयं नाचत हम गोपाल भरोसे, हम गोपाल के भरोसे नाच रहे हैं, हम उनके शरणागत हैं, हमारी प्रशंसा योग्य नहीं है। और कोई करता भी है तो केवल प्रणाम करते हुए अपने गुरु का, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से आत्म प्रशंसा का त्याग करें। 21वां विषय है जो हमें परित्याग करना है वो टीका निंदा से बचना है, आलोचना से बचना है। किसी की हम आलोचना नहीं करेंगे, ये संकल्प हम एकादशी को ले सकते हैं। आप 21वीं एकादशी को ये संकल्प लें कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी की टीका निंदा नहीं करनी है। जिसने जैसा कार्य किया है, जो जैसा बोला है, जिसने जैसा अपने निर्णयों में जो भी कुछ उसने अनिष्ट किया है, जो भी कुछ उसने महाप्रभु जी के सिद्धांत के विरुद्ध किया है, हम किसी को समझा सकते हैं, दुनिया को सुधारने की जवाबदारी हमारी नहीं है। समझाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सुधरना तो सामने वाले का कर्तव्य है, सुधरने का कार्य तो सामने वाले को करना है ना। तो हम किसी के, अगर कोई नहीं सुधरता है और वो वैष्णव होते हुए, हिंदू होते हुए भी अगर कुछ गलत कार्य करता है तो हम कौन होते हैं उसकी आलोचना करने वाले। हम उसे समझा सकते हैं, उसकी टीका नहीं करनी है। न किसी के कार्य की टीका करनी है, न किसी व्यक्ति की टीका निंदा आलोचना करनी है, न किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर टीका निंदा आलोचना करनी है, न किसी के व्यवहार के बारे में, न किसी के वाणी के बारे में, न किसी के स्वभाव के बारे में, और ना ही किसी की संस्था उस या उस संस्था के कार्य के बारे में हमें कभी भी टीका निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना का परित्याग करें, टीका का परित्याग करें, निंदा का परित्याग करें। यह हमें 21वीं एकादशी को संकल्प लेना है कि आज से हम आलोचना नहीं करेंगे। ये संकल्प लेने से धीमे 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 इन दोषों से, प्रति एकादशी को एक नया संकल्प लेने से और एक वस्तु का परित्याग करने से धीमे धीमे हमारे में आधिदैविकता की वृद्धि होती है। 22वीं एकादशी को हमें संकल्प लेना है कि हम दुस्संग का त्याग करेंगे। बहुत सी बार जीवन में हम किस प्रकार के व्यक्ति का संग कर रहे हैं, किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हमारी उठ बैठ बढ़ रही है, किस व्यक्ति के साथ की चर्चाओं में हम आजकल प्रभावित होने लगे हैं, किस व्यक्ति के साथ संग में आने से हमारा भगवत सत्संग, भगवत सेवा, स्मरण सब धीमे धीमे छूट रहा है, दूर हो रहा है, ये सब आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और वो चिंतन करते हुए आपको स्वयं ये निर्णय लेना है कि मुझे दुस्संग से बचना है, दुस्संग का परित्याग करें। किसी के संग में आने से अगर हमारी भारतीयता, अगर हमारी हिंदुत्व की, जो हिंदू धर्मावलंबी होने की जो हमारी भूमिका है वो, या भगवदीय वैष्णव होने के नाते जो हमारे महाप्रभु जी के सेवक होने की जो गरिमा है वो, अगर किसी के संग में आने से उस दुस्संग का प्रभाव हमारे जीवन में, मन बुद्धि विचारों पर, स्वभाव पर अगर पड़ रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उस दुस्संग का हमें परित्याग करना चाहिए। दुस्संग के कारण से ही हमारे जीवन में दीनता का उदय नहीं होता है। दुस्संग के कारण से ही कई बार हम देखते हैं कई लोग दंडवत करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन बाहर जाकर फिर दुस्संग के कारण जो कोई अन्य लोग कुछ बोल रहे होते हैं उनको सुनकर उनके मन में भी अभाव पैदा होने लगता है। इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं रोज जीवन में सामने आती हैं। लेकिन आलोचना पहले ही हम छोड़ चुके हैं, टीका निंदा करने का पहले ही हम संकल्प ले चुके हैं कि हमें नहीं करनी है, तो दुस्संग करने में यही हमारे पास नुकसान होता है कि हम
उस दुस्संग के कारण से केवल अन्य की बातों से प्रभावित होकर हम अपना धर्माचरण छोड़ देते हैं, अपना सेवक का जो संबंध है उसकी विस्मृति हो जाती है, दासत्व का विनाश होता है, दीनता हमारे हृदय से दूर हो जाती है। ये सब प्रभाव दुस्संग के कारण से हमारे जीवन में आता है। तो हम दुस्संग से बचें, ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। दुस्संग का परित्याग करें, ये 22वीं एकादशी के दिन हमें संकल्प लेना है। 23वीं एकादशी के दिन हमें संकल्प लेना है अभक्ष्य का हम परित्याग करेंगे। जो एक हिंदू होने के नाते हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, उस प्रकार के खान पान से, उच्छिष्ट भोजनों से, त्याज्य भोजनों से, जो वैष्णव परंपरा में स्वीकृत नहीं है, उस प्रकार के भोजन के, उस प्रकार के खान पान से हमें बचना चाहिए। और वो अभक्ष्य का जो प्रकार है उसका परित्याग करना चाहिए। जो आजकल खान पान में हिंदू धर्म की परंपराओं को भी विस्मृत करके, वैष्णव धर्म की बात तो बहुत दूर की है लेकिन हिंदू धर्म की परंपराओं को भी विस्मृत करके, और जो आजकल खान पान की शैली और जिस प्रकार से ये प्रवाह बढ़ रहा है, ये समस्त हिंदू धर्म के लिए चिंतनीय है, मननीय है, और वैष्णव धर्म के लिए भी, वैष्णवता के लिए भी, हमारे वैष्णवी जीवन के लिए तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि जो चीज खान पान करने से हमारे में बहिर्मुखता आती है, हमसे भगवत सान्निध्य छूटता है, गुरु का सान्निध्य छूटता है, सत्संग छूटता है, वैष्णवों का संग छूट रहा है, उस प्रकार से आपको अभक्ष्य ग्रहण करने से आपको मालूम नहीं पड़ता है लेकिन धीमे धीमे अच्छी बातें और सत्संग की चीज़ें और वैष्णवी धर्म की, वैष्णवी लक्षणों की चीज़ें धीमे धीमे आपसे छूटती जाती हैं। फिर बहुत आगे निकलकर आपसे होता है कि हम तो आज से कुछ वर्ष पहले कैसी सेवा करते थे, कुछ वर्ष पहले कैसा कीर्तन करते थे, कुछ वर्ष पहले कैसा सत्संग हुआ करता था। लेकिन अभक्ष्य का जो खान पान नहीं करना चाहिए वो जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता और हमसे आधिदैविकता धीमे धीमे दूर होने लगती है, आध्यात्मिकता के भी हम धीमे धीमे बाहर हो जाते हैं और केवल आधिभौतिक जगत संसार की बातों में रचे पचे रहते हैं। और जो खान पान हो रहा है उसमें हम, उस गार्डन या प्रवाह में हम भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लर्नेड, बहुत ज़्यादा हम फैशनेबल, बहुत ज़्यादा हम एडवांस समझने लगते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है, काल बहुत विपरीत है और उस काल की परिस्थिति को देखते हुए हमें अभक्ष्य का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप समर्पित असमर्पित की जो बात हमारे यहाँ कही गई कि हमें वैष्णवों को समर्पित ही ग्रहण करना चाहिए, अगर वो आग्रह भी आप रखेंगे तो अपने आप बहुत सी अभक्ष्य वस्तु आपसे छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी। महाप्रभु जी ने निषेधात्मक बात नहीं कही है लेकिन पूरी सिस्टम, पूरी जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स जो महाप्रभु जी ने बनाए हैं वो ही इस प्रकार से बनाए हैं कि अगर उसका आप पालन करते हैं तो इस प्रकार के ये सभी दुर्गुणों को छोड़ने की बात ही नहीं आती है। लेकिन हम उससे अलग हटकर जीते हैं कभी कभी, इसीलिए ये सब चीज़ों को छोड़ने की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अंतिम और 24वीं एकादशी के दिन हमें क्या छोड़ना है, हमें इष्टदेव के बारे में, गुरुदेव के बारे में, संप्रदाय के सिद्धांतों के बारे में, मार्ग के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भारत देश के बारे में, गौ माता के बारे में, जहां कहीं भी टीका निंदा आलोचना हो उसे हमें श्रवण करना नहीं है, इस बात का संकल्प लें। और उस प्रकार के जहां कहीं इस प्रकार की आलोचना टीका निंदा हो रही है आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां खड़े होकर उसका आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के दुर्वचनों का परित्याग करूंगा, इस प्रकार का संकल्प आपको 24वीं एकादशी के दिन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से
जहां मार्ग की निंदा हो रही है, जहां गुरु की निंदा हो रही है, जहां गौ माता की निंदा हो रही है, जहां भगवत निंदा टीका हो रही है, इनके बारे में उपहास हो रहा है, हम ऐसे 5-7 लोगों के बीच में खड़े होकर हम उसके सुनने का भी दोष क्यों करें? अगर हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां से हमें निकल जाना चाहिए। ऐसी अनावश्यक आलोचनात्मक बातों को सुनकर हमारे अपने कारणों में उस प्रकार के जहर को नहीं घोलना चाहिए जिस प्रकार से आज समाज में बहुत सहज रूप से धर्म का उपहास करना, गुरुओं का उपहास करना, ग्रंथों का उपहास करना, उसे मीथ कहना, माइथोलॉजी के हिसाब से उसे केवल एक संभव असंभव घटना के रूप में देखना, साक्षात लीला को मीथ के रूप में देखना, और ये सब जो बातें हैं, इन सब चीजों को जब व्यक्ति बहुत गहराई से चिंतन नहीं कर पाता है या उसे उसकी गहराई एने ऊंडाई खबर नहीं अने केवल ऊपर लहरोनी जेम छलकाई रह्यो छे, ए मानस आ प्रकारनी आलोचनामां बहु ज रस धरावे छे। तो इस प्रकार की आलोचना में कौन रस धराता है? जिसको गहराई, मूल सिद्धांत या मूल बात, उसका मूल अर्थ या मूल प्रयोजन मालूम नहीं है, लेकिन केवल जो कर्णोपकर्ण जो सुना है, अपनी मान्यता को उसमें ऐड कर और अपने विचारों को आरोपित करते हुए उसके बारे में कुछ भी बोलना, धर्म के बारे में कुछ भी कहना, हाँ अगर धर्म में कोई क्षति है, संप्रदाय से किसी बात से नाराजगी है, या व्यक्ति से या संस्था से किसी बात की नाराजगी है, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी स्पष्टता कर सकते हैं, अपना संशय का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए आलोचना जो हो रही है उसको सुनना और उसको सुनने के बाद अपनी श्रवणेंद्रियों को, जो श्रवण भक्ति का प्रथम चरण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति को तो सर्वप्रथम माना है, उस श्रवण भक्ति के स्थान पर हम इस प्रकार की, जब धर्म संप्रदाय गुरुजन इष्टजन इष्टदेव और सभी परंपराओं की संस्कृति की, हमारी सब धरोहरों की जब उपासना होती है, जब उसकी जब इस प्रकार से आलोचनात्मक टीकात्मक निंदात्मक प्रकार होता है, उससे हमें निश्चित रूप से बचना चाहिए। वो बहुत ही घातक रूप से हमारी वैष्णवता को खंडित करता है। तो इस प्रकार से 24 एकादशियों के दिन इन 24 बिंदुओं को हमने, 17 बिंदुओं को प्रथम सत्र में श्रवण किया था, उससे आगे 18 बिंदु से लेकर 24 तक का आज हम जब चिंतन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि प्रति एकादशी श्री महाप्रभु जी के उत्सव से आप प्रारंभ करें। इन सभी एकादशियों को जो जो आपको छोड़ना है, हर एकादशी के दिन आप इसको डिटेल से लिख लें और उस एकादशी को वो चीज की परित्याग करने की बात आपके दिमाग में पूरे 15 दिन तक चलनी चाहिए कि मैंने आज स्वार्थ छोड़ने का संकल्प लिया है, मैंने आज इस प्रकार से अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया है, मैंने आज इस प्रकार से भक्षा भक्ष्य का, खान पान में इस प्रकार का परित्याग करने का संकल्प लिया है। इस प्रकार से हर अलग अलग एकादशी के दिन एक एक चीज को अगर आप छोड़ेंगे और ये अभ्यास अगर 5 वर्षों तक आप निरंतर करते रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा आप पर जरूर होगी और श्री ठाकुर जी आप पर जरूर प्रसन्न होकर अपने हाथ पवित्र करने का और ज़्यादा अवसर सौभाग्य आपको प्रदान करेंगे। तो मैं विशेष कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये जो 24 परित्याग करने के बाद बातें हमने सुनी है, जो बिंदुओं पर विचार किया है, उन परित्याग करने के बिंदुओं को आप प्रति एकादशी संकल्पित होकर उन वस्तुओं का त्याग करें और अपने वैष्णवता का एक नया रूप श्री ठाकुर जी के सन्मुख, गुरुदेव के सन्मुख प्रस्तुत करें कि आज मैंने इस एकादशी को मैंने ये छोड़ने का संकल्प लिया है, और इस बात की प्रेरणा अन्य को प्राप्त हो इसलिए अन्य के संग भी सत्संग में इस बात का, इस विषय का चिंतन करें, जिससे अन्य वैष्णव को भी प्रेरणा प्राप्त हो और वो भी आपसे पूछे कि भाई आज अचानक क्रोध छोड़ने का संकल्प कैसे किया, आज अचानक ये तुलना करना, कंपेरिजन करने का अब बंद करना है, ये संकल्प आपने कैसे लिया, दुस्संग का परित्याग करने का संकल्प कैसे लिया, क्रोध को संयमित करने का संकल्प कैसे लिया, क्रोध छोड़ने की बात आप कहें उनसे, इस प्रकार के जितने भी सद्गुण को
ये सब परित्याग करने के बाद आप धारण करने के लिए तत्पर हुए हैं, तैयार हुए हैं, उसकी प्रेरणा अन्य वैष्णवों को भी प्रदान करें, जिससे इस प्रकार की अनावश्यक वस्तुओं का परित्याग करते हुए आवश्यक जो श्रृंगार रूप जो सद्गुण है वैष्णवता के, उनको हम धारण करने के लिए हम संकल्पित हो सकें। तो आज के सत्संग में विशेष विस्तार की विवक्षा न रखते हुए यत्किंचित जो कुछ कहा गया आप सभी के अंतर्मन में विराजमान पुष्टि पुरुषोत्तम के चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।